हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ रहे थे, और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में इंट्रोडक्शन टू बीसीपी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट कर लिया था। रिस्क असेसमेंट के बाद हमने डेटा रिकवरी की, और डेटा रिकवरी के बाद सिस्टम रिकवरी की। तो सिस्टम रिकवरी में हमने स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन पिछले सेशन में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे रीड, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव और इंडिपेंडेंट डिस्क। यानी कैसी अरे ऑफ डिस्क है? ये अरे ऑफ डिस्क है, यानी डिस्क की अरे है, यानी हार्ड डिस्क की अरे है। और कैसी है? रिडंडेंट अरे है, यानी इसमें रिडंडेंसी होगी। रिडंडेंसी मतलब, रिडंडेंसी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिडंडेंसी क्रिएट करना मतलब डुप्लीकेसी क्रिएट करना। तो रेड रिडंडेंसी क्रिएट करने के लिए अरे ऑफ डिस्क लगाई जाती है, यानी डिस्क की अरे लगाई जाती है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम बैकअप की बात करते हैं, हमने जो है डिफरेंशियल बैकअप की बात की, इंक्रीमेंटल बैकअप की बात की, फुल बैकअप की बात की, ये रेड क्यों लगाने की ज़रूरत आई? तो ऐसा होता है कि जो हम जानते हैं कि हम एक कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में आप कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहोगे, सॉल्यूशंस जितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं उतने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस करना चाहोगे। और कई जगह पर आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होंगे, आपको रिस्क एवर्स सॉल्यूशन चाहिए होंगे, जहां पर रिस्क कम से कम हो। तो कई जगह पर आप कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए होंगे, कई जगह पर रिस्क एवर्स सॉल्यूशन चाहिए होंगे। तो अब क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आपको रिस्क एवर्स सॉल्यूशन चाहिए, तो उसकी कैटेगरीज हैं बना दी गई हैं। क्योंकि जैसे जैसे डेटा बढ़ता चला गया या कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है या इंटरनेट आया या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप सॉल्यूशन चेंज करोगे तो जो आपका है रिस्क से प्रोटेक्शन मिल जाता है, और थोड़ा सा सॉल्यूशन चेंज करोगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। स्टैंडर्डाइज इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अगर मान लिया सपोज आप आईटी फ्रेटर्निटी में हो और आप किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो धीरे 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 निकल कर आए और उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तो रेड भी ऐसा ही है, रिडंडेंट एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क भी ऐसा ही है। असल में क्या है कि हम ऐसा है कि बैकअप रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑफसाइट में बैकअप रख सकते हैं, और फिर उसके बाद जब उसको रिकवरी करनी है उसको रिकवर कर सकते हैं, उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस बैकअप है, जैसे हमने बैकअप लिया आज सुबह, बैकअप लिया मतलब डिफरेंशियल बैकअप हमारा आज सुबह कंप्लीट हो गया, लेकिन सुबह से अभी तक का बैकअप का क्या होगा? अगर मान लिया सपोज सुबह से अभी तक कोई सिस्टम काम कर रहा है तो अचानक सिस्टम में डिस्ट्रप्शन आ गया, तब क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में 5 मिनट पहले भी अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर 5 मिनट पहले भी रिकॉर्ड हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वहां पर आपको फॉल्ट टॉलरेंट और रिडंडेंसी चाहिए, कंटिन्यूस रिडंडेंसी चाहिए, और रेड इसमें हेल्प करती है। रेड कुछ सॉल्यूशंस हैं, रेड और लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग हम आगे पढ़ेंगे, सर्वर लोड बैलेंसिंग, लोड को बैलेंस करना, सर्वर के लोड को बैलेंस करना सर्वर लोड बैलेंसिंग होती है। रेड तो रेड और सर्वर लोड बैलेंसिंग इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। तो फिर से रिवाइज करते हैं, रेड क्या है? रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव और इंडिपेंडेंट डिस्क है। यानी कैसी अरे है कि नहीं, कैसी डिस्क है? रेड डिस्क है बेसिकली, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है, इनएक्सपेंसिव डिस्क है, अरे ऑफ डिस्क है, यानी अरे होंगी डिस्क की, कई एक डिस्क होगी उसके पैरेलल में दूसरी डिस्क होगी, फिर तीसरी डिस्क होगी। डिस्क 2 से 32 डिस्क तक हो सकती है, मतलब 2 डिस्क भी हो सकती हैं सिस्टम में और 32 डिस्क भी हो सकती हैं। तो ये अरे ऑफ डिस्क है, और ये डिस्क क्या क्रिएट करती है? रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी क्रिएट करती है। और डुप्लीकेसी क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर 1 मिनट पहले के भी ट्रांजैक्शन को अनरिकॉर्डेड रखा नहीं जा सकता है। जैसे बैंक में 1 मिनट पहले भी ट्रांजेक्शन, इस इंस्टेंट पर हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया, SBI के हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे,
तो SBI के ट्रांजैक्शन हुए, मालूम पड़ा किसी ने पैसा निकाला ATM से और एक मिनट पहले का रिकॉर्ड खो गया, तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो वहां पर रिकॉर्ड खोने की गुंजाइश नहीं है, रिडंडेंसी होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वहां पर रिकॉर्ड नहीं रहा, अगर मान लीजिए आप ATM में गए, 1,00,000 रुपया आपका है, आपने 20,000 रुपये निकाल लिए, 80,000 रुपया रह गया, अगली बार जाएंगे आप खुश तो होंगे कि यार ये बैंक में मेरे पैसे 1,00,000 के 1,00,000 हो गए 20,000 रुपये निकाल के, लेकिन बैंक में आपका ट्रस्ट हो जाएगा, आप कहोगे यार ये बैंक सही नहीं है, ये मेरा हिसाब किताब सही नहीं रखा है, डाउट्स आ जाएंगे बैंक पर, आप उस पर क्वेश्चनिंग उठाने लगोगे। नुकसान बैंक का हुआ, फायदा आपका हुआ है इस एक इंस्टेंस से, लेकिन बैंक ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी और बैंक ऐसा नहीं करेगा। तो जहां पर हमें रिडंडेंसी चाहिए, अप टू द टाइम रिडंडेंसी चाहिए, वहां हम रेड का यूज करते हैं, रेड या लोड बैलेंसिंग का यूज करते हैं। तो रेड में क्या होता है, डिस्क की रिडंडेंसी प्रोवाइड की जाती है और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है, वहाँ फॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक पर डेटा स्टोरेज के लिए फॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने मीन टाइम बिटवीन फेलियर पढ़ा था पहले, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर पढ़ा था, दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो रेड में क्या होता है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स डिक्रीज करना होता है, बल्कि कई इंस्टीट्यूशन में उसे जीरो कर लाना होता है, और मीन टाइम टू फेलियर को जीरो करने में रेड बहुत हेल्प करती है, और रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क बहुत हेल्प करती है। तो यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर जीरो होना चाहिए, यानी कि अगर दो फेलियर से उनके बीच का मीन टाइम जीरो होना चाहिए, एवरेज में जो फेलियर्स हो रहे हैं उनका जीरो होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में फेलियर होना ही नहीं चाहिए। मीन टाइम बिटवीन फेलियर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, फेलियर है ही नहीं। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर मिनिमम होना चाहिए। तो रेड क्या करती है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है उसको डिक्रीज करती है। रेड को आपका जो सिस्टम फेलियर हो जाते हैं डिस्क ड्राइव की वजह से या डिस्क कंट्रोलर फेलियर की वजह से फेलियर्स हो जा रहे हैं, उससे इंसुलेट करती है। और उसके अलावा रेड जो है परफॉर्मेंस बढ़ाती है, रिलायबिलिटी बढ़ाती है, कि भैया हम पढ़ेंगे कैसे बढ़ाती है परफॉर्मेंस और कैसे करती है रिलायबिलिटी। तो ये क्या करती है बेसिकली, अगर रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस बनानी है तो क्या है कि डेटा को स्प्रेड कर देती है कई डिस्क में, उसमें क्या करती है डेटा को तोड़ देती है। तो जब आप डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पहली डिस्क पहला आपके डेटा पार्ट रिकॉर्ड कर रही होती है, दूसरी डिस्क दूसरा, तीसरी डिस्क तीसरा, चौथी डिस्क चौथा, पाँचवीं डिस्क पाँचवा, तो पाँच डिस्क जब रिकॉर्ड कर रही है, जब आप एक डिस्क में रिकॉर्ड करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पाँच डिस्क में रिकॉर्ड करना चाहोगे तो 1/5 टाइम लगेगा। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, और क्योंकि रिडंडेंसी क्रिएट करती है तो रिलायबिलिटी इंक्रीज करती है, डेटा को स्प्रेड आउट कर देती है मल्टीपल डिस्क में सिंगल डिस्क के बजाय। तो एक चीज और है, रेड जो सॉल्यूशन है, रेड जो रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है, इसको हार्डवेयर के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर के भी किया जा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को यह लगेगा कि यह सिंगल लॉजिकल हार्ड ड्राइव है, उसमें 32 हार्ड ड्राइव हो, कितनी हार्ड ड्राइव हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन होगा, उसको यह पता चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में जब उसने भेज दिया तो उसके लिए वर्चुअल सिंगल ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे 32 ड्राइव्स मैनेज करनी पड़ेंगी तो उसके लिए तो काम बढ़ जाएगा, उस पर परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो सिंगल, और उसके बाद जो ऑपरेटर है वो परेशान हो जाएगा। तो सिंगल लॉजिकल ड्राइव की तरह काम करना होगा रीड को, यानी वर्चुअलाइजेशन यहां पर है, तो लॉजिकल हार्ड ड्राइव की तरह काम करना पड़ेगा, फिजिकल हार्ड ड्राइव की तरह काम नहीं करना पड़ेगा उन सारी हार्ड ड्राइव को, उन सारी अरे को, उनको लॉजिकल हार्ड ड्राइव की तरह काम करना पड़ेगा। और कैसी लॉजिकल हार्ड ड्राइव, सिंगल लॉजिकल हार्ड ड्राइव की तरह काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक सिंगल लॉजिकल हार्ड ड्राइव की तरह काम कर रही है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज बहुत सारी इन्हें अरे ऑफ ड्राइव्स हैं, अगर मालूम पड़ा एक ड्राइव खत्म हुई तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो आपका आईटी का बंदा है वो जाएगा हार्ड ड्राइव पिकअप करेगा, निकालेगा, दूसरी हार्ड ड्राइव उसे डालेगा और सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो हार्ड ड्राइव पुल आउट करे और पुल इन करे,
उसके बाद नई हार्ड ड्राइव, अगर एक हार्ड ड्राइव वहाँ पर आपके बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स हैं जो सिस्टम में काम कर रही हैं और उसमें डेटा है, अगर एक हार्ड ड्राइव आइडियल कंडीशन ये है कि बैंक वाली सिचुएशन ये है कि अगर एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिस्टम काम करते रहना चाहिए, सिस्टम को वहाँ पर आपका जो आईटी इंजीनियर है उसको पता चल जाना चाहिए कि हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, बंदा वहाँ जाएगा आराम से उस हार्ड ड्राइव को निकालेगा, सिस्टम काम कर रहा होगा और वो एक नई हार्ड ड्राइव लेगा और उसकी जगह दूसरी जगह हार्ड ड्राइव लगा देगा और डेटा जो हार्ड ड्राइव में डेटा फिर से पॉपुलेट हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, तीन डेटा रिडंडेंसी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, पहली है मिररिंग, दूसरी है पैरिटी, तीसरा है स्ट्रिपिंग। तो पहला क्या है, मिररिंग। मिररिंग मतलब मिरर, शीशा क्रिएट कर देना। मिररिंग का मतलब यह है कि अगर एक हार्ड ड्राइव है आपको दूसरी हार्ड ड्राइव में उसका डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, यानी डेटा मिरर्ड होना चाहिए, साइमल्टेनियसली सेपरेट हार्ड ड्राइव या डिस्क अरे में आपका डेटा लिखा होना चाहिए, कम से कम दो ड्राइव्स कंकरेंटली ऑपरेशन में होनी चाहिए। अगर दो ड्राइव्स कंकरेंटली ऑपरेशन में नहीं है तो प्रॉब्लम है। कई केसेस में कंकरेंटली में ऑपरेशन में नहीं होंगे, मालूम पड़ा एक ड्राइव खराब होगी, जब तक आप उस ड्राइव को निकाल रहे हो और दूसरी ड्राइव उसमें इंसर्ट कर रहे हो तब तक वो सिस्टम जो है फॉल्ट टॉलरेंट नहीं रहेगा, लेकिन जनरली इतनी खराबी नहीं आती है। रेड के हायर लेवल हैं उसमें अगर एक के बजाय दो डिस्क भी खराब हो जाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी रेड्स हैं। अगर आपको ज़्यादा रिडंडेंसी क्रिएट करनी है तो रिडंडेंसी क्रिएट कर सकते हो, अगर जीरो रिडंडेंसी क्रिएट करनी है तो जीरो भी रिडंडेंसी क्रिएट करते हो। रेड जीरो का मतलब रेड जीरो वाली रेड है, मतलब रेड का के लिए है, रिडंडेंसी के लिए है, लेकिन रेड जीरो में कोई रिडंडेंसी नहीं क्योंकि वो जीरो वाली रेड है, उसमें रिडंडेंसी है ही नहीं, जीरो वाली रेड में कोई रिडंडेंसी नहीं। तो रेड जीरो, रेड वन, रेड टू, रेड बाकी रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेड बेसिकली रिडंडेंसी क्रिएट करती है, लेकिन जीरो रेड है क्योंकि जीरो है रेड, वो रेड जीरो जो है, रेड जीरो वन टू थ्री क्लासिफिकेशन है, टेन ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन जीरो वाली रेड में कोई रिडंडेंसी नहीं है क्योंकि वो जीरो रेड है, स्ट्रिप्ड डिस्क अरे है बिना फॉल्ट टॉलरेंस के, क्योंकि रेड होते हुए भी वो रेड नहीं है, जीरो रेड है वो। तो तीन रिडंडेंसी की टेक्निक्स हैं, मिररिंग, पैरिटी और स्ट्रिपिंग। मिररिंग मतलब मिरर क्रिएट करना, मिरर क्रिएट करने का मतलब यानी शीशा क्रिएट कर देना, यानी कि दो ड्राइव्स कंकरेंटली, कम से कम दो ड्राइव्स होंगी, दो डिस्क अरेज होंगी जो ऑपरेशन में होंगी, कंकरेंटली ऑपरेशन में होंगी। एडवांटेज क्या है मिररिंग के, मिनिमम डाउन टाइम होगा, डाउन टाइम मतलब सिस्टम डाउन हो गया तो डाउन टाइम हो गया, सिंपल, सिस्टम जितनी देर डाउन हुआ वो डाउन टाइम हो गया, सिस्टम जितनी देर अप हो गया वो अप टाइम हो गया, डाउन टाइम अप टाइम। तो मिनिमल डाउन टाइम मिररिंग में होता है, सिंपल डेटा रिकवरी होती है। डेटा रिकवरी क्या है कि आपने को स्लॉट निकालना है, स्लॉट डालना है, स्लॉट डालते ही जो जो, जो रीड का कंट्रोलर सॉफ्टवेयर होगा वो उसमें डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा, उसके पास वो डेटा ऑलरेडी है, एक ड्राइव खराब हुई तो वो ऑलरेडी, आपने उसको निकालना है, पुरानी ड्राइव को, हार्ड डिस्क को निकालना है जो खराब हुई और नई हार्ड डिस्क डाल देनी, जैसे ही आप नई हार्ड डिस्क डालोगे उसमें डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, परफॉर्मेंस रीडिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, कैसे करती है, स्ट्राइपिंग में हम पढ़ेंगे। अगर एक हार्ड ड्राइव या डिस्क अरे फेल करती है तो सिस्टम वर्किंग हार्ड ड्राइव या डिस्क अरे के बेसिस पर काम कर सकता है, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ गई। दूसरी बात, एक हार्ड ड्राइव, क्योंकि डेटा दो जगह है तो एक हार्ड ड्राइव में सिस्टम क्या कर सकता है, रीड कर रहा हो और दूसरी हार्ड ड्राइव क्या मैं वो चेंज कर रहा हूँ डेटा, और बाद में वो चेंज हो डेटा दूसरी जगह आ जाए, तो यानी रीड एंड राइट साइमल्टेनियसली हो जाएगी। कोई जनरली क्या होता है, रीड और राइट साइमल्टेनियसली लगता है लेकिन कुछ नैनो सेकंड का फासला होता है। अगर मान लिया सपोज आप एक, अगर मान लिया एक हार्ड ड्राइव है उसमें आप
रीड कर रहे हो तो रीड करोगे, राइट कर रहे हो तो राइट करोगे। अगर आपको राइट करना है तो पहले आप राइट कर लोगे, उसके बाद रीड करोगे। लेकिन रीडंडेंट रीड में ये दोनों चीज़ें एक साथ की जा सकती हैं, क्योंकि आपके पास दो ड्राइव, दो डिस्क, हार्ड डिस्क अवेलेबल होती हैं। तो सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ गई, लेकिन सिस्टम परफॉर्मेंस घट भी सकती है। अगर मान लिया आपको एक जगह की जगह दो जगह डेटा लिखना है हर बार, तो सिस्टम परफॉर्मेंस घटेगी। लेकिन अगर रीड राइट साथ कर सकते हो, सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो एक तरफ सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ रही है, दूसरी तरफ सिस्टम परफॉर्मेंस घट भी सकती है। मतलब कि दो जगह डेटा को लिखना है, आपको एक डेटा दो जगह लिखना है, लेकिन वो सिस्टम को ऐसे कॉन्फिगर किया जा सकता है कि जब आप दो एक ड्राइव में लिख रहे हो, थोड़ा सा सिस्टम के पास टाइम मिला तो उस टाइम में वो दूसरी जगह लिख रहा है। तो इस तरीके से कॉन्फिगर किया जा सकता है, लेकिन कई जगह पर वो कॉन्फिगरेशन नहीं होता है, एक ही टाइम पर दोनों जगह उसे लिखना होता है। क्योंकि सिस्टम अगर फेल हो गया, एक ड्राइव फेल हो गई, तो दूसरी बैकअप ड्राइव अवेलेबल होती है। स्प्लिट सेकंड में भी फेल हो गई तो दूसरी ड्राइव अवेलेबल है। तो मिररिंग हाई फॉल्ट टॉलरेंस है, और मिररिंग में क्या होता है कि हार्डवेयर रीड कंट्रोलर या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो मिररिंग के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। मिररिंग क्या है? कुछ नहीं है, मिरर है। एक मिररिंग में मिरर क्रिएट करना है, और मिरर में क्या है, एक जगह जहाँ डेटा है उसी तरीके से दूसरी जगह डेटा लिखना है। तो मिरर क्रिएट करना है, डेटा का मिरर क्रिएट करना है। ये नहीं हर समय आपके पास दो जगह डेटा लिखा होना चाहिए, दो डिस्क अरे होनी चाहिए कंकरेंटली ऑपरेशन में। एडवांटेज क्या है मिररिंग के? मिनिमम डाउन टाइम होगा, डाउन टाइम नहीं होगा, सिंपल डेटा रिकवरी होगी, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस होगी डिस्क से रीड करने में। आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अगर एक हार्ड ड्राइव फेल कर गई तो दूसरी हार्ड ड्राइव काम कर रही होगी। तो हाईली फॉल्ट टॉलरेंस है। दूसरा चीज़ है पैरिटी। पैरिटी मिररिंग जैसा काम करती है, यानी डेटा फॉल्ट टॉलरेंट होने से बचाती है, लेकिन यहाँ पर लोअर फॉल्ट टॉलरेंस है। मिररिंग में क्या, अगर मान लिया सपोज आपका मिरर है, उसमें थोड़ा सा डेटा अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये आपके पास डेटा स्टिल अवेलेबल रह जाएगा, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। पैरिटी क्या करते हैं? पैरिटी हमने पहले पढ़ा है। पैरिटी क्या है? हमने सपोज थोड़ी देर के लिए है कि हमारे पास डेटा 1, 2, 5, 7 है, हमने इन सबको ऐड कर लिया और एक नंबर लिख लिया एक जगह पर। अगर यहाँ पर कोई चीज़ चेंज हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई तो पैरिटी में चेंज हो जाएगा। पैरिटी में चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा डेटा चेंज हुआ है। अगर एक भी चेंज डेटे में एक भी चेंजेस आ गए या एक भी स्पेस बढ़ गया, डेटा के बीच में स्पेस बढ़ गया, या तो वो पैरिटी पर पता लगा देती है। तो पैरिटी में फॉल्ट टॉलरेंस बिल्कुल लोअर है। अगर एक डेटा में एक भी अल्फ़ाबेट, एक भी जीरो या वन, एक भी बिट, बाइट तो छोड़ो, एक भी बिट अगर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पैरिटी का बहुत लोअर फॉल्ट टॉलरेंस है मिररिंग से। मतलब मिररिंग में फॉल्ट टॉलरेंट है, क्योंकि फॉल्ट आया एक उसमें तो उसने रीड कर लिया और फिर उसके बाद उसको ठीक कर लिया। लेकिन पैरिटी में फॉल्ट टॉलरेंट बिल्कुल नहीं है। अगर एक स्पेस है, अगर थोड़ी सी भी डेटा में प्रॉब्लम है, तो वो पैरिटी बता देगी कि भाई डेटा लॉस हुआ है या डेटा ओवर रिटर्न हुआ है। लेकिन पैरिटी मिररिंग से बेनिफिशियल है। पैरिटी मिररिंग से इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि मिररिंग में पूरा डेटा स्टोर करना पड़ता है, पूरे को पूरे डेटा की कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ती है, तो उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पैरिटी में स्पेस कम यूज़ होता है। आपको डेटा को कॉपी नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है। तीसरी चीज़ है स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग क्या करती है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, और इसमें डेटा अक्रॉस हार्डवेयर अरे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हार्डवेयर अरे कंट्रोलर होता है, वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारी ड्राइव्स में। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज 5 ड्राइव है और आपका डेटा है, डेटा को आपने 10 बाइट्स में कर लिया, पहला बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, तो पहला बाइट पहले उसमें आएगा, दूसरा बाइट दूसरे डिस्क में लिखा जाएगा, तीसरा बाइट तीसरे डिस्क में लिखा जाएगा, चौथा बाइट चौथे डिस्क में लिखा जाएगा, पांचवा बाइट पांचवा डिस्क में लिखा जाएगा, छठा बाइट पहले डिस्क में लिखा जाएगा।
सातवां बाइट, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला, हाँ एक एक वर्ड एक उसमें लिख रहे हो आप सपोज, तो माई पहले में लिखा, नेम दूसरे में लिखा, इज़ तीसरे में लिखा, चंद्र चौथे में लिखा, शेखर पांचवें में लिखा, बरोला पहले में लिखा। तो यानी कि पांच डिस्क की अरे है आपके पास, पांच पैरेलल डिस्क हैं। पहले में आप पहला नोट कर रहे हो, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा। अब क्या है आपको रीड करना है। नॉर्मली क्या होगा, एक ही डिस्क में मेरा पूरा सेंटेंस लिखा होगा माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला, तो वो रीड करेगा तो पांच गुना टाइम लगाएगा। यहां पर जब वो रीड करेगा तो वो पांचों डिस्कों को एक साथ रीड करेगा और डेटा उठा लेगा, तो यानी कि 1/5 टाइम लगेगा डेटा को करने के लिए। तो स्ट्राइपिंग जो है हार्डवेयर अरे कंट्रोलर क्या करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है स्ट्राइपिंग के थ्रू, और वो क्या करता है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारी ड्राइव्स में। इसमें क्या होता है डेटा जो है इन स्ट्रिपिंग में क्या होता है डेटा एलिमेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है मल्टीपल पीसेज में, पीस को हर पीस को एक पर्टिकुलर पीस को एक ड्राइव में रखा जाता है और इस तरीके से उसको स्प्रेड आउट कर दिया जाता है। तो डेटा ट्रांसफर जो है क्योंकि स्ट्राइपिंग के थ्रू हो रहा है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, मतलब आप साइमल्टेनियसली उस डेटा को उठा सकते हो, सीक्वेंशियली उठाने की जगह साइमल्टेनियसली उठा लेते हैं। एक तो सीक्वेंशियली उठाया आपने एक ड्राइव है माई नेम इज चंद्रशेखर बरोला, ये पांच सीक्वेंशियली उठाया, और एक यह है साइमल्टेनियसली एक ही साथ रीड किया और एक ही साथ उस डेटा को उठा लिया, तो डेटा ट्रांसफर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो स्ट्राइपिंग जो है बाइट्स में इंप्लीमेंट की जा सकती है, बिट्स में की जाती है, ब्लॉक्स में की जा सकती है। बाइट लेवल स्ट्राइपिंग में क्या है डेटा को बाइट्स में डिवाइड किया जाता है और स्टोर किया जाता है सीक्वेंसली। ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग में क्या है एक गिवन साइज का ब्लॉक क्रिएट कर दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिस्क में। तो मेथड्स अलग हैं, कहीं पर बाइट लेवल स्ट्राइपिंग हेल्पफुल होती है, कहीं पर बिट लेवल स्ट्राइपिंग हेल्पफुल होती है, मतलब अलग अलग चीज़ अलग अलग मेथड्स के लिए, अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है, स्ट्राइपिंग रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करती है, स्ट्राइपिंग अगर एक पर्टिकुलर वे से की जाए वो रिडंडेंसी क्रिएट कर देती है। यानी कि अगर आप हर एक डाटा दो जगह नोट कर रहे हो तो रिडंडेंसी क्रिएट कर देती है। सपोज आपके पास पांच डिस्क हैं तो माई अगर आप पहली और दूसरी में नोट कर रहे हो, नेम दूसरी और तीसरी में नोट कर रहे हो, इस तीसरी और चौथी में नोट कर रहे हो, चंद्र चौथी और पांचवी में नोट कर रहे हो, तो इस तरीके से अगर आप स्ट्राइपिंग कर रहे हो तो रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन आप अगर एक जगह पर एक चीज लिखते चले जा रहे हो तो रिडंडेंसी क्रिएट नहीं होती, आपका डेटा एक जगह खो गया तो फिर खो गया। रिडंडेंसी क्रिएट करने के लिए आपको डेटा लिखने की टेक्निक बदलनी पड़ेगी और एक डेटा को दो जगह लिखना पड़ेगा। माई नेम इज चंद्रशेखर बरोला, अपने माई पहले में लिखा, नेम दूसरे में लिखा, इस तीसरे में लिखा, चंद्रा चौथे में लिखा, इसकी जगह आप माई पहले में लिखा और दूसरे में लिखा, नेम दूसरे में लिखा, तीसरे में लिखा, चंद्र तीसरे में लिखा, चौथे में लिखा। तो अब एक डिस्क सपोज तीसरी डिस्क खराब हो गई तो इंजीनियर को पता चला, आईटी इंजीनियर गया, वो स्लॉट को उठाया, दूसरा स्लॉट डाला और बाकी स्लॉट्स ने उसे पॉपुलेट कर दिया, तो आपके कहीं पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, आप आराम से काम कर रहे हो। क्या कहते हैं आपका आईटी इंजीनियर बैठा है, उसको अचानक पता चलता है कि एक हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई है। वो कहता है अभी चलूँगा, 5 सेकंड बाद जाऊँगा, 10 सेकंड बाद, अभी चाय है, चाय ख़त्म करके जाऊँगा। वो आराम से चाय पीता है, उठता है, टहलते हुए जाता है, बिना टेंशन लिए सिस्टम चल रहा होता है, उसको निकालता है, दूसरे स्लॉट को उसकी जगह डालता है, अब हार्ड ड्राइव उसे पॉपुलेट कर देती है और फिर जाकर आराम से बैठ जाता है। तो सिस्टम यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मालूम पड़ा आपने केवल स्ट्राइपिंग की, एक जगह माई नेम इज चंद्रशेखर बरोला किया है और एक वो खराब हो गया, तो डेटा रिट्राइवल नहीं हो पाएगा, डेटा रिट्राइवल नहीं होगा, सिस्टम डाउन हो जाएगा, उसको पता चलेगा, चार जगह से फोन आने स्टार्ट होंगे, वो चाय छोड़ेगा, दौड़ता हुआ जाएगा, मालूम पड़ा टॉप मैनेजमेंट का डेटा है, वो उसको 10 बार फोन आ रहे होंगे, वो कहेगा, टॉप मैनेजमेंट परेशान होगा, वो परेशान होगा, वो कह रहा होगा हाँ सर, जी सर, नहीं सर, आईटी इंजीनियर पागल हो रहा होगा, टॉप मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट होगा, कंपनी में पैनिक आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है, आपने रिडंडेंसी क्रिएट की, वो अपनी
बैठा हुआ है, उसे पता चला कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कंट्रोलर हार्डवेयर एरर, कंट्रोलर ने उसे बताया कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है। वो बोला चाय अभी ख़त्म करूँगा। अच्छा, वहाँ पर बैठ कर वो कोई एक रिपोर्ट भेजनी है, उसको रिपोर्ट को भेजा, चाय कंप्लीट की, आराम से गया, वहाँ गया, वहाँ उसने हार्ड ड्राइव निकाला, दूसरा हार्ड ड्राइव डाल दिया। लेकिन बैंक्स में ऐसा नहीं चलेगा। बैंक्स में अगर इतनी देर में दूसरी हार्ड ड्राइव खराब हो गई सपोज, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो बैंक में रिडंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो किस में रिडंडेंसी कम करने की पड़ेगी, किस में रिडंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसी तरीके से रेड है अवेलेबल है, और रेड 0 से 14 तक रेड अवेलेबल है, 0 से 10 तक हमारी स्टडी में दिए हैं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है और 10 दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड 0, 0 रेड 0 होती है, उसमें 0 चीज़ें दी हुई हैं, स्ट्रिप्ड डिस्क अरे है विदाउट फॉल्ट टॉलरेंस। रेड 0 सिंपलेस्ट रेड लेवल है, वो केवल स्ट्राइपिंग पर डिपेंडेंट है, मतलब आप पहले वाले उसमें पहला माई नेम इज चंद्रशेखर बरोला कर रहे हो, वो हायर परफॉर्मेंस देती है रीड राइट स्पीड का, और कुछ और नहीं देती है, वो डेटा रिडंडेंसी प्रोवाइड नहीं करती है, फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होती है, इसलिए रेड 0 रिकमेंड नहीं होती है डेटा रिकवरी सॉल्यूशन की तरह। और रेड 0 जो है वो आपको रिडंडेंसी देगी नहीं, क्योंकि अगर एक डिस्क क्रैश होगी पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, लेकिन रीड राइट बहुत फास्ट होता है, उसमें सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है। तो बहुत ही कम जगह है जहां पर रेड 0 जो है इंप्लीमेंट होती है, रेड 0 इंप्लीमेंट नहीं होती है अदरवाइज। रेड 0 जो है मिनिमम 2 ड्राइव्स उसमें यूज होती हैं, वैसे 2 से 32 तक हो सकती हैं, लेकिन 2 ड्राइव्स मिनिमम यूज़ की जाती हैं, दो तभी अरे डिस्क रेड है, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क है। अगर सिंगल हार्ड ड्राइव है तो वो रेड है ही नहीं, रिडंडेंट अरे ही नहीं है, अरे है नहीं। अरे की डेफिनेशन में आने के लिए मिनिमम 2 ड्राइव्स होनी चाहिए, 2 ड्राइव्स हैं तो अरे है, लेकिन यहाँ पर कोई मिररिंग नहीं होती है, और 0 रेड बिल्कुल 0 है, किसी काम की नहीं है कह सकते। हाँ, वो स्पीड बढ़ जाती है, कई जगह पर ऐसा होता है कि आपको डेटे की उतनी फास्ट डेटा आना चाहिए, स्पीड मैटर करती है, अगर फॉल्ट आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहाँ रेड 0 की ज़रूरत, वहाँ रेड 0 का यूज़ किया जाता है। वैसे रेड 0 तकरीबन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं की जा सकती। आगे हम बाकी रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।